Hello guys and girls, welcome back to javatreepoint. This is Alok Panday and you are learning Java, you are learning HTML5. So अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके आगे का अब हमें पढ़ना है. सो उसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले वो है हमारा टेबल्स. टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स रोस्पैन कॉल्सपैन क्या होता है, टेबल्स के नए टैग्स क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके. और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था हमारा लिस्ट, हमारा पैराग्राफ, बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हम लोगों ने 5 वीडियो तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग. बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो सारी वीडियोज आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, और अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चलो हम आगे चलते हैं. देखते हैं लेक्चर 6 में क्या क्या हमें कवर करना है. ओके, एज आई हैव मेंशनड ओवर हियर, एचटीएमएल का टेबल्स पढ़ना है हमें, और टेबल्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, ओल्ड एलिमेंट जो पहले हमारे एचटीएमएल फोर में यूज होते थे वो, उसके साथ साथ न्यू एलिमेंट लाइक रोस्पैन, लाइक हमारा टेबल हेडर, टेबल फुटर, टेबल बॉडी, ये सारी चीज़ें. एंड फिर हमारा नेस्टेड टेबल कैसे बनाते हैं, रोस्पैन कॉल्सपैन कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो सबसे पहले टेबल क्या होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि टेबल होता क्या है. अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आपको पता होगा, तो आप स्किप कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो टेबल कुछ इस तरह से हमारा दिखता है. जनरली टेबल हम कब यूज करते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, कोई ना कोई डेटा रखने के लिए. जैसे अभी मैं किसी शॉप की ही बात कर लेता हूँ, आप अगर दुकान पे जाते हो, कुछ चीज़ बाय करते हो, आपका जो बिल जनरेट होता है वो तो टेबल फॉर्मेट में रहता है. या फिर वो लोग जो अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, सपोज मैं मेडिकल शॉप का एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, तो लोग क्या करेंगे, अपना जो भी मेडिसिन है उसको एक टेबल्स में फॉर्मेट स्टोर करके रखते हैं. नेम, उसका एक्सपायरी डेट एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें वो लोग टेबल्स में बना के रखते हैं. तो हम जनरली टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, तो ये रोज एंड कॉलम्स को हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने जैसा नहीं है. चलो हम जंप करते हैं अपने टेबल के अंदर, अपने नोटपैड पे, एंड देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, इसके पहले वाले में हम लोग वीडियो में हम लोगों ने जो लिस्ट का देखा था, कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसके टाइप वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, मैं यहाँ से सिंपल होम डिलीट. राइट, अब हम देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. टेबल क्रिएट करने के लिए या तो आप कोई कंटेनर ले लो, डिव वगैरह नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे टेबल. टेबल का नेम अगर आपको देना है तो दो, नेम ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको देना है ऑप्शनल है, सो नेम मैं नहीं दे रहा. टेबल अगर आपको बॉर्डर देना है यहीं पर तो आप बॉर्डर पास कर सकते हो, लाइक बॉर्डर इक्वल टू 1, सपोज 1, 2, 3, 5 जो भी, मैं सपोज यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 5. राइट, मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ एंड फाइनली स्लैश टेबल एंड टेबल क्लोज. ठीक है, ये रहा हमारा, सेव किया मैंने, ये मेरा टॉप टेबल का. सपोज टेबल के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स बनते हैं वो इसकी वजह से नहीं बनते, ये तो सिर्फ एक कंटेनर है, इसकी वजह से कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा. जो ड्रॉ होगा अब मैं जो लिखूँगा उसकी वजह से, सबसे पहले जो रो बनता है उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है tr, रो बनाने के लिए आपको लिखना है tr. अभी उस रो को यहाँ पे क्लोज कर दो, tr को क्लोज कर दिया. इस tr के अंदर आपको पास करना है td, किसका पास करना है td, यानी टेबल डेटा. तो यहाँ पे कॉलम आप ऐसा मत सोचो कि tr यानी टेबल रो, tc मतलब टेबल कॉलम, टेबल tc नाम का कोई चीज़ नहीं, टेबल कॉलम नहीं है यहाँ पे. आपको टेबल कॉलम की जगह यूज करना है td. td का मीनिंग क्या है, टेबल डेटा. टेबल डेटा ही हमारा कॉलम बनाता है. जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पास कर दिया td एंड देन सेकेंड, इसे क्लोज कर दो स्लैश td. राइट, हाँ अभी सेम मैं इसी को 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, सी कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वी. सपोज मैं 5 टाइम कर लिया, और यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा रखता हूँ, सैम्पल लाइक आलोक ऐसा कुछ नाम डाल के रखता हूँ मैं, खाली आलोक जावा व्यूअर्स एंड ऐसा कुछ भी रैंडम नाम, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं. ठीक है, मैं इसे सिर्फ सेव करता हूँ, और इसे मैं रन करने के लिए यहाँ पे ब्राउजर में जाके इसे रन करता हूँ, रन इन फायरफॉक्स क्रोम IE. राइट, IE पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आके देखो, आराम से तुम्हें एक डेटा दिख रहा है, एक बॉर्डर के साथ हमारा एक पूरा का पूरा रो दिख रहा है, रो के साथ 1, 2, 3, 4, यानी आप जितने td बनाओगे उतने कॉलम्स बनते जाएंगे. कॉलम्स क्या होता है हमारा,
कॉलम्स नहीं पता है। कॉलम्स हमारा जनरली क्या होता है, अगर मैं इसे अपने उसके अंदर ही दिखाऊँ जो हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो नेम एक कॉलम है, आईडी एक कॉलम है, सैलरी एक कॉलम है। अभी इसके अंदर जो मैं डेटा रखूँगा वो हमारा बन जाएगा क्या, सपोज़ यहाँ पे मैं सिंपल अब मैं जो डेटा रखूँगा यहाँ पे आलोक एंड देन सपोज और जो भी था जावा एंड व्हाट एल्स जो भी था सपोज रैंडम, सो ये हमारा एक कॉलम है। ये सब जो चीज़ें मैं रख रहा हूँ ना, ये हमारा एक कॉलम का पूरा डेटा है। और ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है, ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये रो बन रहा है। पूरा नेम एक कॉलम है एंड आईडी एक कॉलम है, सैलरी एक कॉलम है, डीओबी एक कॉलम है। एंड जब मैं किसी एक यूजर का डेटा स्टोर करता हूँ तो वो एक रो में स्टोर होता है, एक रो यानी एक यूजर का डेटा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अभी हम लोगों ने जो बनाया तो यहाँ पे एक यूजर का डेटा स्टोर हो गया है। यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी नाम डाला है, यहाँ पे हो सकता है प्राइस सैलरी कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं एम्प्लॉई का एक टेबल बनाता हूँ, एम्प्लॉई जो कोई कंपनी में काम कर रहा होता है उसका टेबल बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है। ये तो हमारा नॉर्मल था टेबल रो, रो के लिए आपने लिखना है टेबल टी आर एंड उस टी आर के अंदर आपको लिखना है टी डी, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए। टेबल हेडर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे टी आर में एक और बनाता हूँ, क्योंकि जो मैं बनाने वाला हूँ टेबल हेडर जनरली वो टॉप में रहता है एंड वो टेबल हेडर भी हमारा हर समय बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं टी एच के अंदर पास करूँगा वो हमारा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में आएगा और ऐसा लगेगा कि वो कॉलम का नाम लिखा है वहाँ पे। जैसे स्लैश टी एच में अपने पास किया एंड इसे मैं सपोज मैं एम्प्लॉय का नेम सैलरी 3-4 रिकॉर्ड रखता हूँ, सी एंड रिकॉर्ड नहीं 3-4 डेट टाइप का डेटा वी 5 राइट 4 हो गया ना हमारा। यहाँ पे मैं ई नेम ले लिया, मैंने दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के बाद मैंने उसका ले लिया सैलरी एंड एम पी आई डी सपोज मैंने ले लिया एम पी आई डी राइट एंड फाइनली मैंने यहाँ पे ले लिया सैलरी आई डी एंड सपोज मैंने ले लिया एड्रेस राइट। ये चीज़ अभी देखने लायक है। टी आर मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, ओके अभी एक फॉर्मेट में है टेबल के अंदर एक टी आर यानी एक रो के अंदर टेबल हेडर जो सबसे पहले हम हेडर डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी टाइटल हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा में भी मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, सपोज नेम आलोक है एंड उसका सैलरी है सपोज 5000 एंड व्यूअर्स की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम पी आई डी, आई डी सपोज मेरा 123 था एंड हमारा एड्रेस था सपोज मुंबई राइट। सेव कर दो, मैं एक यूजर का एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ एंड मैं वो चेक करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो टेबल हेडिंग में डाला था वो सब बोल्ड में है, ऐसा लग रहा है कोई एक हेडिंग है राइट एंड उसके अंदर जो डेटा रखा था वो हमारा कुछ इस तरह से। तो ऐसे आप मल्टीपल डेटा मल्टीपल यूजर का रख सकते हो। सी सिर्फ करो आप जितने भी रोज बनाना है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 एंड देन 3 ऐसे राइट। ये हमारा हो गया, सबका नेम चेंज कर दो खाली सपोज नोप नेम आप कुछ भी रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड और कुछ एश एंड व्हाट एल्स कायपन टागो सकते हो एंड व्हाट एल्स ई नेम चलो ये भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा F5 राइट। अब हमारे पास 3 यूजर का रिकॉर्ड है, 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पड़ा, ये हमारा हो गया टेबल राइट। टेबल रो टेबल कॉलम किस तरह से हम लिखते हैं, कुछ इस तरह से ओके चलो अब हम देखते हैं आगे का। ये तो हमारा नॉर्मल टेबल है, टेबल डेबल डाटा कैसे स्टोर करते हैं। सपोज आपको किसी दो कॉलम को मर्ज करना है, हो सकता है ये जो दो सैलरी है यहाँ पे दोनों जन का सेम है, तो मैं अलग अलग कॉलम बनाने से अच्छा जहाँ जहाँ सेम है मैं उन दोनों को एक ही साथ मर्ज कर दूंगा तो मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मर्ज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सपोज कॉलम मर्ज करना है या रो मर्ज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे
अभी मर्ज करता हूँ दो रो को, यानी आलोक एंड एस और ए एस एच डब्ल्यू जो है उन दोनों का सैलरी सेम है, सैलरी तो सबका सेम है, लेकिन मैं दो जन का करता हूँ ए एस एच डब्ल्यू का, राइट। फिर हमें पता चलेगा कैसे हमारा रो स्पैन कैसे काम करता है, ठीक है। जनरली स्पैन क्या होता है, रो स्पैन, टेबल रो स्पैन, टेबल कॉल स्पैन, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मर्ज करने के लिए यूज होता है, एक साथ एक में ही कंबाइन कर देता है, यानी वहाँ से बॉर्डर हट जाएगा, वो उतना स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिसका जिसका सैलरी सेम है सिर्फ उन दोनों को मर्ज करके एक ही स्पेस के एक ही बॉक्स के अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सैलरी डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने 880 रख दिया, ठीक है ये। एंड अभी यहाँ पे मैच हो रहा है दो जन का, 50,000 50,000, यानी एक एसो का एंड दूसरा आलोक का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, जिससे आपको स्पैन करना है, जिस रो जिस डेटा को जिस जहाँ पे आपने जिससे 50,000 50,000 लिखा है ना, आपको सैलरी का करना है, अब जिस कॉलम को आपको स्पैन करना है उस वहाँ पे जाके उस कॉलम के अंदर, जैसे मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है 50,000, जैसे हम मैंने एक सैंपल बनाया है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, यहाँ पे मैं एक बार सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ F5, अभी 50,000 यहाँ पे है एंड यहाँ पे 50,000 है, राइट। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, लास्ट वाला जो है हमारा वो डिफरेंट है, तो लास्ट वालों को ना स्पेन करके इन दोनों को मैं एक ही जगह एक बॉक्स के अंदर रखूँगा, यानी इसके बीच में जो बॉर्डर है वो मैं निकाल दूंगा, इन दोनों के एक ही डेटा रखूँगा, ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा इन दोनों का डेटा एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पहला वाला हमारा आलोक नाम का जो हमारा डेटा है, उस रो में जाके TD जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे सैलरी वाला TD है, सैलरी वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको जाके पास करना है रो स्पैन इक्वल टू कितने रोज को आपको मर्ज करना है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे दो रो को, एक ऐश्वर्या का और एक अपना, इन दोनों को मर्ज करना है एक साथ, एक ही बॉक्स में शो करना है, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से पास कर दिया तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो आलोक एंड ऐश्वर्या दोनों जन का सैलरी एक ही दिखा रहा है, लेकिन ऐश्वर्या का जो सैलरी था वो बाहर निकल चुकी, तो हमारा टेबल फॉर्मेट ख़राब कर देगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जब मुझे पता चल ही रहा है इन दोनों का सेम सैलरी है, तो मुझे लास्ट वाला यानी इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं उसे निकाल देता हूँ, यानी ऐश्वर्या का मैं यहाँ से डेटा निकाल सकता हूँ। तो ये हुआ हमारा रो स्पैनिंग, यानी दो रोज को मैं मर्ज कर रहा हूँ एक साथ, अब देख सकते हो, ठीक है। अभी 8,000 तो अलग था, तो मुझे उसे मर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन दोनों को मर्ज कर सकते थे हम, सेम चीज़ आप पूरे का पूरा इधर इसको मर्ज कर सकते हो, जैसे मुंबई की बात करते हैं, अभी यहाँ पे मुंबई है एंड फिर नीचे भी मुंबई है, तो मैं पहला वाला यहाँ पे नीचे के दो को रोज को मर्ज करता हूँ, तो मैं यहाँ से मुंबई निकाल देता हूँ, यानी ये वाला TD ही निकाल देता हूँ यहाँ पे। मैं एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे नेम कुछ हो, मैं यहाँ पे डेटा सपोर्ट डाल देता हूँ अलाहाबाद ऐसा कुछ, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे बचा मुंबई, यानी ऐश्वर्या का एंड अनूप का, दो जन का एड्रेस सेम है, तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को मर्ज करने के लिए पहले वाले मुंबई में आ जाओ, यानी ऐश्वर्या के डेटा में, यहाँ पे आपको TD के अंदर लिखना है क्या, रोस्पैन Ctrl+Z एंड यहाँ पे पास करो रोस्पैन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितने कॉलम्स को, दो, सॉरी कितने रोज को हमें मर्ज करना था, दो रोज को मर्ज करना था, यानी हमें नीचे का ये वाला मुंबई छोड़ के ये जो मुंबई है और ये वाला जो है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा रोस्पैन एंड फिर यहाँ से मुझे इसकी अनयूज्ड हो जाएगी, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों तो एक साथ हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे F5 करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो अनूप वाला डेटा था वो मुंबई बाहर आया था, मुझे तो पता है इन दोनों का मुंबई ही एड्रेस है, तो मुझे बाहर लिखने की ज़रूरत क्या है, मैं उसे निकाल ही देता हूँ डायरेक्ट, एक TD निकाल दिया मैंने, अब मेरा फिर से उसी फॉरवर्ड में आ गया। सो ये कहा जाता है रोस्पैन, यानी दो रोज तीन रोज को जितने आपको मर्ज करना है एक साथ मर्ज कर सकते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे पास करना रहता है कि कितने रोज को मर्ज करना है एक साथ, जैसे मैंने यहाँ पे दो पास किया है, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं नीचे वाले में पास करूँ तो रोस्पैन को Ctrl+C कर लेते हैं, एक बार Ctrl+Z करते हैं, पूरा डेटा ऐसा रहने देते हैं एंड नीचे वाला जो हमारा था उसके एड्रेस में जाके पास करता हूँ, Ctrl+V सेव F5, देखो कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके नीचे तो है ही नहीं, उसके नीचे तो डेटा नहीं है ना,
तो मुंबई को कैसे हमारा स्पैन कर सकता, एक ही तो है, ऊपर वाले को मर्ज कर नहीं सकता। तो जहाँ पे आपको मर्ज करना है, जिस दो रो को मर्ज करना है, उन दोनों में से जो पहला वाला रो है उसके अंदर आपको मर्ज का स्टेटमेंट डालना है, राइट। जैसे मैंने इसको, ये वाला मुंबई को एंड ये वाले मुंबई, यानी अनूप एंड ऐश्वर्या का डेटा मर्ज करना था जिनका एड्रेस सेम था, तो मैंने यहाँ पे पहले वाला जन ऐश्वर्या के अंदर मैंने जाके डाल दिया रोस्पैन, ये कुछ इस तरह से सेव किया, टैब किया, रिफ्रेश किया। ये वाला लास्ट का निकाल दो, अनयूज्ड है क्योंकि मुझे कॉमन हो रहा है, तो कॉमन चीज़ एक जगह रख सकते हैं, शिफ्ट एंड राइट सेव एंड सिंपली F5, कुछ इस तरह से गॉट। आई होप रोस्पैन प्रॉपर क्लियर होगा। अब देखते हैं हम कॉल्सपैन की तरफ, चलो बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉल्सपैन हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को अगर मुझे मर्ज करना है किसी दो कॉलम्स को, जैसे अभी जनरली हम कॉलम्स को जल्दी मर्ज नहीं करते, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 1 2 3 ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को मुझे मर्ज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रोज को मर्ज कर रहे थे, पहले ऊपर नीचे कर रहे थे, या ऊपर वाला या ये वाला, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे का। अब हम जो करेंगे हमारा कॉलम्स होगा, सपोज 1 2 3 एंड अलाहाबाद, दोनों को एक साथ मर्ज करना है, यानी इन दोनों के बीच का ये जो बॉर्डर है वो निकाल देना है, इन दोनों को एक ही जगह पे रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल्सपैन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। ओके, सपोज मुझे आलोक के अंदर, ये तो हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पे मुझे मर्ज करना है सपोज ये ऐश्वर्या का 1 2 3 कॉलम्स को, एंड हमें मर्ज करना है अलाहाबाद सबका 1 2 3 आईडी, सपोज अलाहाबाद एंड हमारा इसका ये लास्ट ऐश्वर्या का 1 2 3 आईडी एंड हमारा अलाहाबाद, दोनों को मर्ज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जिस कॉलम को मर्ज करना है उसके अंदर जाके पास करो। जैसे यहाँ पे मैं पास करता हूँ कॉल स्पैन ओके, कॉल स्पैन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं पास करता हूँ 2, यानी ये क्या मर्ज करेगा, दो कॉलम्स को, एक टीडी को ये वाला 1 2 3 एंड उसके तुरंत बाद वाला कौन सा हो सकता है हमारा, तुरंत बाद वाला ये अलाहाबाद, यानी ये नेम, ये दोनों को एक साथ मर्ज करना है, अलाहाबाद यानी एड्रेस को एंड हमारा आईडी, दोनों को मर्ज कर देगा, एक में कर देगा। अभी तक क्या हो रहा था, हमारा दो रो को यानी दो टेबल रो को एक साथ मर्ज कर रहा था, इसमें हो सकता है वो डेटा कौन सा था वो डिपेंड करता है, मैं किसी पर्टिकुलर डेटा के रो को मर्ज कर रहा था, अभी मुझे दो कॉलम्स को मर्ज करना है, तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। एंड मैं जाके यहाँ पर सिंपल रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 एंड हमारा अलाहाबाद, राइट। अभी अलाहाबाद बाहर चला गया, लेकिन अलाहाबाद की जगह 1 2 3 अकेले ले चुका है, ठीक है, अलाहाबाद बाहर जा चुका है। तो ये कॉल्सपैन हम कर रहे हैं, दो कॉलम को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। रोस्पैन में क्या था, दो रोज को एक साथ मर्ज कर रहे थे, एंड कॉल्सपैन में हम दो कॉलम्स को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। आउटपुट एक बार फिर से देख लो, सही से देख लो, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा 1 2 3 एंड अलाहाबाद की जगह वो 1 2 3 ने पूरा का पूरा एड्रेस का भी स्पेस ले लिया है, दो कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं, एड्रेस एंड MPID दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया हम लोगों ने। एंड यहाँ पे हम दो रो को मर्ज कर रहे थे, आलोक एंड ऐश्वर्या को, ठीक है, हो सकता है वो किसी सैलरी के लिए ही हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे कॉलम के लिए, कॉलम में हमने दो चीज़ को मर्ज किया, MPID एंड एड्रेस को, और यहाँ पे रो को हम 50,000 सैलरी को, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, रोस्पैन एंड कॉल्सपैन। अब हम आगे का देखते हैं, ठीक है, आगे का देखने का मतलब ये है हमारा, पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को निकाल देता हूँ, ठीक है, जितने भी हमारे ऐसी चीज़ें थे जो स्पैन वगैरह, आपने नहीं लिखा हुआ तो उसे पॉज करके वीडियो को देखिए अच्छी तरह से। अब मैं बात करूँगा टी हेड टी फुट जो HTML 5 का पार्ट है, वो बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कॉल्सपैन, यानी कॉल्सपैन नहीं, कैप्शन, टेबल कैप्शन जिसे हम बोलते हैं, कैप्शन यहाँ पे, ओके, टेबल कैप्शन, अरे कंट्रोल जेड TABEL टेबल सी कैप्शन,
slash v caption एंड इसे क्लोज कर दो। अब मैं यहाँ पे डेटा डालूँगा employ data, राइट। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैप्शन क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस टेबल के बारे में। अगर मुझे अभी तक HTML 4 में अगर मुझे लिखना रहता था, मैं ऊपर जाके यहाँ पे H1 टैग लेके उसके अंदर मैं लिखता था कि एम्प्लॉई का डेटा या फिर एम्प्लॉई डेटा समथिंग। अभी क्या है, अभी मैं उसी टेबल के अंदर टेबल कैप्शन, कैप्शन नाम का एक न्यू एलिमेंट है जो आप यूज करके सिंपली उस टेबल का इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि ये टेबल किस बारे में है, किस चीज़ के लिए, यानी हम एक तरह से हेडिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमारा सेंटर रहता है। अभी यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डेटा पास किया है, मैं एक काम करूँ, यहाँ से टेबल निकाल देता हूँ एंड यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ, सेव करो F5। ओके, अभी देखो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉई डेटा जो आ रहा है हमारा सेंटर में आ रहा है, ये हमारा टेबल का इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस। ये टेबल से, टेबल के डेटा एंड रो से कुछ भी रिलेशन इसका नहीं, ये सिर्फ टेबल का इन्फॉर्मेशन देख रहा है दे रहा है। इसलिए आपको ये ना किसी टेबल रो के अंदर लिखना है ना किसी टेबल डेटा के अंदर, यानी TR TD के अंदर ना लिख के टेबल के तुरंत बाद आपको पास करना है ये वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन के अंदर हमने एम्प्लॉय डेटा पास किया जो कि हमारे टेबल का इन्फॉर्मेशन बताता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम अब tfoot, thead, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास तीन है, तीन टोटल रोज है। मैं एक दो और रोज यहाँ पे बना लेता हूँ। सपोज मैं ये वाला रोज को एज इट इज कॉपी करता हूँ, ये पूरा एक रो हुआ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ v एंड नेम में कुछ यहाँ पे समथिंग एल्स पास कर देता हूँ, लाइक समथिंग, आप नेम कुछ भी डाल सकते हो। मैं सैलरी भी यहाँ पे 845 ऐसा कुछ डाल देता हूँ। आईडी मैंने डाल दिया 254, मुंबई की जगह मैंने डाल दिया जी अच्छे घन बात पता नहीं है कि नहीं ऐसा जगह कोई, सेव किया। अभी मैं जाके देखता हूँ F5, मेरे पास ये टोपल टोटल डेटा है यानी चार डेटा है। अभी मुझे इसमें से किस पार्ट को टेबल हेडर, टेबल फुटर, टेबल बॉडी बनाना है वो मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं खाली एग्जांपल के लिए जो हमारा लास्ट का, जो मैंने लास्ट में लिखा है उसके अंदर मैं टेबल हेडर डालता हूँ, देखो क्या होता है। T head, राइट, टी हेड पास करो यहाँ पे, कंट्रोल जेड, टी हेड एंड मैं नीचे आके मैं इसे क्लोज करता हूँ स्लैश thead head। ये हमारा HTML 5 का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो, ये टेबल हमारा HTML 4 का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैप्शन, टेबल हेड, ये हमारा सब HTML 5 का कॉन्सेप्ट है। सेव करता हूँ एंड यानी अनूप नाम का जो रो है वो मेरा एकदम हेड में आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने उसके सामने पास कर दिया टेबल हेडर नाम का एक टैग टी हेड। उसका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, उस टेबल के अंदर वो कहीं पे भी रहे उसको टॉप में ला के रख देगा, यानी टेबल हेड बना देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय सैलरी EMP ID जो कि हमारा मेन था हेडर उसको भी हटा दिया, वो हमारा जो जिसके अंदर मैंने जो टेबल हेड अभी जो यूज किया उसको सबसे टॉप में ला दिया, राइट। सो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने TR के अंदर TH यूज किया है TD, लेकिन TR के पहले अगर आपने टी हेड लिखा है तो उस TR को, उस रो को वो टॉप में लेके जाएगा। सेम ये टी हेड था। अभी सेम चीज़ मैं बॉडी के लिए देखता हूँ। अभी जो चीज़ मैंने सबसे पहले लिखी थी, जो हमारा बॉडी ये था टेबल का रो जिसके अंदर हमने सिर्फ नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें प्रिंट किया था, अगर मैं उसको बॉडी के अंदर डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा, लाइक टी बॉडी। देखो ये वाला, सपोज मैं दो चीज़ों को लेता, आलोक को एंड ये नेम सैलरी, उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ स्लैश टी बॉडी, इसे क्लोज कर देता हूँ बस। देखो अभी मेरा कहाँ पे आता है, ये जो नेम आईडी सैलरी है, रिफ्रेश करता हूँ, ओके यहाँ पे अभी वहीं पे है। क्यों? क्योंकि हमारा हेड के बाद जो आता है वो बॉडी में ही रहता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉडी में है। अगर मैं किसी और चीज़ को, कौन सा टेबल हेडर फुटर हो गया तो बचा ही क्या है, फुटर देखते हैं तो समझ में आएगा। सपोज ये जो पहला लाइन मैंने डाला है ई नेम सैलरी, यहाँ पे मैं फुटर डालता हूँ टी फुट, राइट, टी फुट एंड मैं पास करता हूँ बॉडी की जगह टी फुट, सेव करो। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ,
अभी ऑटोमेटिक देखो वो दोनों कॉलम वो दोनों रोज जिनको मैंने टी फुट के अंदर पास किया था वो फुटर बन चुके हैं हायर अपना सिक्वेंसली। पहले मैंने इन हमारा ये था टेबल हेडर यानी TH वगैरह ये वाला देख सकते हो इसके अंदर ये पहले है और उसके पहले टी फुट का टैग है यानी इसके अंदर जो भी आएगा उसको वो फुटर बना देगा। तो दो रोज थे हमारे दो के दोनों को उसने फुटर बना दिया। सेम यूज होता है हमारा टी बॉडी टी फुटर यूज कर लिए। अभी मैं अगर यहाँ पे टी बॉडी पास करता हूँ तो ये बाई डिफॉल्ट बॉडी के अंदर ही है तो आप भी टी बॉडी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये दोनों को ऐश्वर्या को मैंने टी बॉडी बना दिया स्लैश टी बॉडी से क्लोज कर देता हूँ जस्ट सेव इट ऐश्वर्या। अभी यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस करता हूँ देखो सब कुछ ऐसे ही है ऐश्वर्या एंड समथिंग के दोनों दोनों हमारे बॉडी बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे देखो टी बॉडी लिखने के बाद समथिंग है टेबल रो टेबल बॉडी। आई होप ये टेबल हेडर फुटर एंड हमारा बॉडी समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो लाइक करो सो दैट ये ज़्यादा शेयर हो सके। सब्सक्राइब करो इसे सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसे शेयर करो सो दैट और भी पीपल इसके इसे समझ सके और पढ़ सके अच्छी तरह से ठीक है। सो तो वीडियो में इतना ही इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब दैट्स ऑल टेक केयर सी यू सून।